नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। रिपोर्टर आदित्य रंजन सिंह मोतिहारी जिला अंतर्गत पताही नेशनल लोकमत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेहताब ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। इस दौरान ढाका विधानसभा वन चिरैया विधानसभा के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता मालिक का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हमारी पार्टी जनता मालिकों के लिए कहे और हक के लिए किसी हद तक जाएगी। बिहार में इस बार हमारी पार्टी 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला किया है और आज चिरैया विधानसभा से विजय सिंह जी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का निर्णय लिया है और ढाका विधानसभा से दुबे जी को भी उम्मीदवार खड़ा करने का मतलब निर्णय लिया है और आगे हम खड़ा कर सकते हैं। अब तक हमारी पार्टी बिहार में कुल 80 सीटों का फैसला कर चुकी है, यानी 80 सीटों पर उम्मीदवार को तैयार किया जा चुका है और भी आगे काम चल रहा है। फिलहाल अभी लॉकडाउन को लेकर के हम लोग राहत वितरण पे लगे हुए थे और बिहार में राजनीति करने का फैसला इसलिए हम लोग किए कि बिहार में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है आम लोगों के ऊपर, ये इस करप्शन को दूर करने के लिए हमने निर्णय लिया कि बिहार में सभी सीटों से चुनाव लड़ के और खुद का सरकार बना करके बिहार से करप्शन को मुक्त करने का काम।